क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। क्रिसमस के बाद बॉक्सिंग डे पर टेस्ट की शुरुआत होगी और इसके लिए विराट कोहली अभी से ही कॉम्बिनेशन फाइनल कर चुके हैं क्योंकि नेट्स पर इसकी तस्वीर साफ साफ नजर आ रही है। तो तीसरे टेस्ट मैच में क्या होने वाली है भारत की टीम, ये हम आपको बताएंगे, जिस पर आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मेलबर्न में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग जोड़ी में आमूलचूल बदलाव होने जा रहा है। केएल राहुल फाइनली 10 टेस्ट मैचों में फ्लॉप होने के बाद बाहर होने जा रहे हैं। भारत से मंगाए गए ओपनर मयंक अग्रवाल को टेस्ट डेब्यू का मौका मिल रहा है। दूसरे ओपनर की बात करें तो यहाँ हिटमैन रोहित शर्मा पर बड़ा दांव लगाया जा सकता है क्योंकि रोहित शर्मा लगातार नेट्स पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये बात साफ है कि मिडिल ऑर्डर में पहले ही रोहित के लिए जगह नहीं थी और अब तो हार्दिक पांड्या भी वापस आ गए हैं, लिहाजा रोहित के लिए मिडिल ऑर्डर में तो जगह नहीं है और रोहित की कड़ी मेहनत साफ इशारा दे रही है कि रोहित शर्मा दूसरे ओपनर होंगे और मुरली विजय को भी बाहर किया जाएगा। तीसरे नंबर पर पुजारा, चौथे पर विराट, पांचवे पर रहाणे की जगह फिलहाल पक्की है। छठे नंबर की बात करें तो यहां भी हार्दिक पांड्या की एंट्री हो रही है। जी हां, पांड्या चोट से उबरकर वापसी कर चुके हैं और छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे। साथ ही एक तेज गेंदबाज की भी भूमिका निभाएंगे। हनुमा विहारी को यहां बाहर बैठना होगा। इसके बाद बात करें सातवें नंबर की तो यहां ऋषभ पंत ही खेलने आएंगे, उनकी जगह भी फिलहाल पक्की है। अब गेंदबाजों की बात करते हैं तो पर्थ वाली गलती विराट कोहली अब नहीं करेंगे। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और मेलबर्न टेस्ट में अश्विन की टीम में वापसी होगी, जबकि उमेश यादव को बाहर किया जाएगा। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की जगह पक्की है, ये दो तेज गेंदबाज होंगे। इनके अलावा रविंद्र जडेजा की एंट्री इस बात पर निर्भर करती है कि मेलबर्न की पिच कैसी है। हालांकि अभी तक पिच से पर्दा नहीं हटाया गया है, लेकिन अगर पिच में स्पिनर्स के लिए थोड़ी भी मदद हुई तो दूसरे स्पिनर रविंद्र जडेजा को खिलाया जाएगा और ईशांत शर्मा को ड्रॉप किया जाएगा। अब ये पिच पर डिपेंड करेगा कि ईशांत और जडेजा में किसे मौका मिलेगा। तो ये है मेलबर्न के लिए टीम इंडिया, जिस पर आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।